डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो 94 वर्षों से विद्यार्थियों के सृजनात्मक कौशल को निखार रहा है। इसकी स्थापना 1926 में एक महाविद्यालय के रूप में हुई थी, जिसे 2017 में विश्वविद्यालय की श्रेणी में शामिल किया गया। 2017 से पहले इसे रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता था। पिछले 6 दशकों से यह शिक्षण परिशिक्षण के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में कुल 47 विभाग हैं, जिसमें रेगुलर वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज सभी शामिल हैं। छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक भवनों का निर्माण किया गया है। तो अभी परिसर में कई बिल्डिंग बना, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है एकेडमिक बिल्डिंग, और एकेडमिक बिल्डिंग के अलावा हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी तैयार हो चुका है, एग्जामिनेशन बिल्डिंग भी तैयार हो चुका है, और यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस भी तैयार हो चुका है, और एक सुंदर कैंटीन छात्रों के लिए भी यहाँ पर मैंने स्टार्ट हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जैसा आपको पता है, 3 नई बिल्डिंग्स का उद्घाटन हमारा होना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में सारा का सारा हमारा ऑफिस जो है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे एक सुविधा भी होगी, क्योंकि इस बिल्डिंग में हमारी क्लासेस और ऑफिस बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ सब सारे ऑफिस जो हैं, VC रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, जनरल सेक्शन वगैरह, डीन ऑफिस और भी जितने डेवलपमेंट्स ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिस होते हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नया परिसर एक अत्याधुनिक परिसर है, जहाँ विद्यार्थी अपने सपनों में रंग भर सकते हैं। एक शैक्षणिक संस्थान में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, नए परिसर में छात्र छात्राएं उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस शैक्षणिक भवन में शिफ्ट होने से विद्यार्थियों को एक बेहतर वातावरण मिलेगा, जो हर विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को स्किल बनने के लिए कोई कमी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए हर फ्लोर पर कंप्यूटर लैब का प्रबंध किया गया है। लाइब्रेरी किसी भी शैक्षणिक संस्थान का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग होता है। विद्यार्थियों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए हर फ्लोर पर लाइब्रेरी सुसज्जित की गई है। पूरा परिसर विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा से लैस है। समय का बचत करने के मकसद से इस भवन में 6 लिफ्ट का प्रबंधन भी है, और हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी के लिए ऑफिस और स्टाफ रूम है। विद्यार्थियों की ऊर्जा बनी रहे, इसलिए परिसर में कैंटीन भी खोली गई है। श्यामा प्रसाद अलग अलग तरह के विविधतापूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी भाग ले, इसलिए यूनिवर्सिटी परिसर में खूबसूरत ओपन थिएटर भी मौजूद है। इतने लंबे गौरवपूर्ण अनुभव के साथ न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने इतिहास को सींचा है, बल्कि अब यह भविष्य में अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बहुल बीज को बोने को तैयार है। आगे हमारा कई स्ट्रेटजी यूनिवर्सिटी के विकास को लेकर है कि आने वाले समय में एक सेपरेट सुंदर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करने का मेरा लक्ष्य है। लड़कियों के लिए एक हॉस्टल की भी व्यवस्था करने हमारे ऑब्जेक्टिव में है, और इन दोनों के अलावा भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास हमें करना है कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग प्रयास करेंगे, हो सकेगा तो अपने कार्यकाल में इसको पूरा करने का कोशिश करेंगे।